99% लोग नहीं जानते कि खजूर गीला खाएं या सूखा। दिखने में छोटे खजूर में विटामिन और मिनरल्स के साथ साथ काफी मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है। इसके अलावा खजूर फाइबर के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक माना जाता है। खजूर में विटामिन B1, B2, B3, B5, A1 और विटामिन सी भी पाया जाता है। खजूर कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है। इसे खाने से शरीर में तुरंत एनर्जी आती है, इसलिए रमजान के दौरान भी और हर उपवास में हर धर्म के लोग खजूर खाना पसंद करते हैं। खजूर में ढेर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे कि मिनरल्स और विटामिन्स। अगर आप रोजाना खजूर खाते हैं तो आपके शरीर को ढेर सारे लाभ मिलते हैं। हालांकि कुछ लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि सूखे खजूर यानी कि चुहारा ज्यादा फायदेमंद है या गीले खजूर। आइए आपको बताते हैं इसे खाने का सही तरीका और दोनों गीले और सूखे खजूर में डिफरेंस। खजूर में होते हैं ढेर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये पोटेशियम से भरपूर लेकिन सोडियम से मुक्त होता है, इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीजों और दिल की बीमारियों में ये बड़ा ही फायदेमंद होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है हमने वीडियो में शुरू में आपको बता ही दिया है। अब देखते हैं कि सूखा या गीला कौन सा खजूर है फायदेमंद। सूखे खजूर को छुहारा भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भ्रम में रहते हैं कि उन्हें सूखा खजूर खाना चाहिए या गीला खजूर। आपको बता दें कि सूखे खजूर में फ्रेश खजूर या कहें गीले खजूर की तुलना में ज्यादा पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। मगर यदि आप वजन नहीं बढ़ने देना चाहते हैं तो गीले खजूर का सेवन करें। इसका कारण यह है कि सूखे खजूर में फ्रेश या भीगे खजूर की तुलना में ज्यादा कैलोरी होती है। 14 गीले खजूर में 282 कैलोरीज पाई जाती है, जबकि इसी साइज की 4 सूखे खजूर में 270 कैलोरीज होती हैं। यानी आपको जितने कैलोरीज 14 गीले खजूर खाकर मिलते हैं, लगभग उतने ही कैलोरीज 4 सूखे खजूर यानी कि छुहारा खाने से मिल जाते हैं। तो समझ लीजिए, बहुत पुराने समय से खाया जा रहा है खजूर। खजूर एक ऐसा आहार है जिसे बहुत पुराने समय से इंसान अपने खान पान में इस्तेमाल कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इंसान लगभग 4000 साल पहले से खजूर का सेवन कर रहा है। अरब देशों में शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए और सेक्सुअल शक्ति बढ़ाने के लिए खजूर का खूब सेवन किया जाता है। भीगे खजूर सूखे खजूर के मुकाबले ज्यादा नरम होते हैं, जबकि सूखे खजूर ऐसे नहीं होते। इसमें कम मॉइस्चराइजर होता है, लेकिन सूखे खजूर अगर एयर टाइट डिब्बे में रखे जाएं तो इसे 8 माह तक प्रिजर्व किया जा सकता है, और अगर फ्रीजर में रखा जाए तो ये सूखे खजूर 1 साल तक भी सुरक्षित रह सकते हैं। सूखे खजूर को सूखा रखने के लिए डिहाइड्रेट किया जाता है। ब्रेकफास्ट में घर पर बनाइए स्वादिष्ट खजूर शेक। खजूर शेक बनाने के लिए आपको 1 ग्लास दूध में 5-6 खजूर के साथ 3-4 काजू और बादाम लेने हैं। खजूर का बीज निकाल लें और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इसके बाद सभी सामग्री के साथ 1 चम्मच आप शहद डालकर मिक्सर में अच्छी तरीके से मिला लीजिए। खजूर शेक आपका तैयार हो गया। इस शेक को नाश्ते के समय सुबह लेने से शरीर को इससे काफी ज्यादा लाभ मिलता है। रोजाना खजूर के सेवन से मिलते हैं ये स्वास्थ्य लाभ। खजूर खाने का सबसे बड़ा लाभ हाई ब्लड प्रेशर वालों को मिल सकता है। ठंड के मौसम में हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को चाहिए कि वो रोजाना नाश्ते में कम से कम 3 खजूर जरूर खाएं। खजूर में अच्छी मात्रा में आयरन भी होता है। जो लोग अधिक थकान या कमजोरी महसूस करते हैं उनमें आयरन की कमी होती है। खजूर में मौजूद आयरन उसे कुछ ही दिनों में पूरा कर देता है। खजूर का सेवन पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। पेट संबंधित कैसी भी दिक्कत हो उसमें खजूर का सेवन रामबाण इलाज सिद्ध होता है। ये पाचन शक्ति को सही कर भूख बढ़ाता है। खजूर बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, जिससे हृदयाघात जैसा खतरा कम हो जाता है। कम सोडियम और ढेर सारे मिनरल्स होने की वजह से खजूर हमारी हड्डियों के लिए अच्छा माना जाता है। खजूर में मौजूद सेलेनियम, मैग्नीज, कॉपर जैसे मिनरल हमारी हड्डियों को मजबूती देते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितना ज्यादा फायदेमंद है खजूर। आप चाहे गीला लीजिए या सूखा, दोनों आपको फायदा पहुंचाएंगे। बस ये मान के चलिए कि सूखे में ज्यादा कैलोरीज होती हैं, तो उससे वजन बढ़ सकता है, गीले से उतना नहीं बढ़ेगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और इस वीडियो में जो स्वास्थ्य लाभ की जानकारी दी गई है, जो खजूर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, इसे अपने तक सीमित ना रखें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।